नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, शाम का टाइम हो चुका है, बज चुके हैं 4:30 और हम लोग हो गए हैं तैयार। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं, आज है 5वां नवरात्रा। तो आप लोगों को भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए, कृष्णा भी तैयार हो चुका है। बोलो, पिंजौर गार्डन में मेला लग रहा है। अच्छा, पिंजौर गार्डन में मेला लग रहा है। बैसाखी है ना आज, तो बैसाखी के उसमें लग रहा है। किसने बताया? कल थी, बताया तो फिक्स डेट बैसाखी की, तो 13 अप्रैल। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं, घुमा लाएंगे फिर गार्डन में भी, कोई बात नहीं। तो जी, सबसे पहले जाएंगे हम माता रानी के दर्शन करने, मत्था टेकने, काल का माता जी, क्योंकि जो ये हमारे नवरात्रे हैं, हर नवरात्रे को कुछ ना कुछ हम कर ही लेते थे, लेकिन इस बार इंदु की तबीयत थी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हम कुछ नहीं कर पाए हैं। और अब हम सबसे पहले कोशिश तो यही है कि पहले माता रानी के पास जाएंगे, वहाँ पे मत्था टेकने, कालका जी माता जी पे। और मेरा ये है कि भाई लास्ट के 2 व्रत रखूँ। मम्मी से बात हुई थी आज, तो मम्मी ने भी बोला कि 7 और 8 का रख लेना, क्योंकि हमारे यहाँ 9वीं में खुलते हैं, तो लास्ट के 2 व्रत में रखूंगी। कोशिश तो बहुत करते हैं भाई, अपनी तरफ से तो बहुत सोचते हैं, लेकिन आखिरी में होता तो वही है जो ऊपर वाले। पहले तैयारी भी की हुई थी, सारा कुछ निकला हुआ था कि हाँ ऐसे सजाना है, ऐसे करना है, ऐसे उसी दिन नहीं है, एक दिन पहले ही तो सारा करा, मैं अच्छी तरह करूंगी सारा। खैर कोई बात नहीं। और आज मैंने कमेंट भी पढ़ा कि आप लोग ना, जैसे माता रानी के जो भी लास्ट वाला टाइम है, बताया होगा मेरे ख्याल से कि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। कि लास्ट के जैसे 2 नवरात्रे होते हैं, उनमें आप रख सकते हो, व्रत रख सकते हो। अब पता तो सबको ही है भाई कि अगर मतलब पूजा पाठ हर बार करते थे, इस बार नहीं कर रहे तो कोई कारण ही होगा, लेकिन उसमें भी ये पूछा जाता है बार बार, क्यों नहीं रख रहे, क्यों नहीं रख रहे, अब क्या कारण बताया आपको भाई, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। तो जी खैर, अब बस चलते हैं, देखते हैं अगर वहाँ पे ज्यादा रस ना हुआ, क्योंकि रस बहुत ज्यादा होता है और बच्चों के साथ में दिक्कत आती है। जैसे मैं या इंदु दोनों चले जाएं तो फिर तो हम निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं से जैसे हो ही जाते हैं दर्शन। और जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ में तो बहुत ध्यान से जाना पड़ता है, और भीड़ भाड़ इतना ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और कृष्णा ने उठा लिया है चाबी, अभी हमें जाना है यहाँ से। हाँ मम्मी तो हवाई जहाज चलाएगी इधर ही, है ना। तेरी मम्मी बस तेरे डैडी को चला सके, और किसी को नहीं चला सकती। जो ब्रह्मांड का ऐसा वो चला सके, बस मैं ये चला सकूं, और कुछ नहीं चला सकती। तो जी बस चलते हैं, और जैसे जैसे रास्ते में, और जैसे आज कृष्णा ने बताया मुझे बैसाखी है, तो बैसाखी के चप्पल ही डाल लेंगे, वहां पे तो निकालनी है, वहां तो निकालनी पड़ेगी। बैसाखी के उपलक्ष में भी वहां पे जो जो भी, अरे जल्दी आ गए तो फिर देख लेंगे, चले जाएंगे। तो जी बस चलते हैं, मिलेंगे आपको रास्ते में ही। चलो होगी होगी सुकड़ सी गई।
आराम से उधर उधर वहां बाइक के पास खड़े हो, इधर बाइक के पास। चलो इधर आ जाओ, मास्टर डैडी को टाइम लगा।
उधर 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 चट करो उधर इसके लिए वहां जाया करो उसमें बाल्टी में डालते हुए ना वो देखता चल डाल पहले तो है तो फ्रेंड्स माता रानी के जो दर्शन है हमने कर लिए हैं अच्छे से बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए और अब हम आगे हैं रानी की एंट्री और रानी की एंट्री कल से तो इधर से हम बाहर निकल आए हैं और अब चलते हैं बस पिनियो और यहाँ पे बच्चों ने अपने कुछ खाने पीने का भी ले लिया है कोल्ड ड्रिंक वगैरह और सब फटाफट से चलते हैं जोर देंगे क्योंकि रस बहुत ज़्यादा है और अब ना रात के टाइम में भीड़ बढ़ती जाएगी फिर उसके बाद तो यहाँ पे पैर रखने की जरूरत नहीं है।